हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। क्रिकेटर कभी हार नहीं मानता है। आखिरी बॉल तक मैच चलता है। चौका या छक्का लगाकर जीत की कोशिश में जुटा रहता है एक क्रिकेटर। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मशहूर ऑलराउंडर, दुनिया के नंबर वन खिलाड़ियों में इनका नाम आता है, शाकिबुल हसन। एक कट्टरपंथी के आगे क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत दुखी किया, बहुत अपसेट किया, उम्मीदों को तोड़ा है शाकिबुल हसन आपने। खेल के मैदान में हार जीत लगी रहती है, लेकिन शाकिब ने वो हार कबूल की है असल जिंदगी में, जो उन तमाम लोगों को दुखी करेगी जो कट्टरवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। उनका कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना कि वो कोलकाता में काली मां के पूजा के एक पंडाल में चले गए। कट्टरपंथियों ने मौका पाया और तलवार से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। अरे उनका तो काम है ये, वो यही करेंगे। पर शाकिब, आप डर गए? आप माफी मांग रहे हैं? इन जैसे लोगों की भावना आहत हो सकती है? ये तो पैदा ही भावनाओं को भड़काने के लिए हुए हैं। और शाकिबुल हसन, आप डर गए? ऐसी धमकी मिली आपको कि आप कांप गए और आपने माफी मांग ली? हमारे यहां कभी नुसरत जहां को धमकी मिलती है, कभी सलमान खान के गणपति पूजा में शामिल होने पर उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। नुसरत और सलमान, माफी मांगी उन्होंने कभी? वो कभी झुके कट्टरपंथ के आगे? लेकिन आप शाकिबुल हसन, कट्टरपंथियों के आगे आपने सरेंडर कर दिया। आज इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हमें हुंकार भरनी होगी। आप बैठे हैं बांग्लादेश में, लेकिन आपने उन तमाम कट्टरपंथियों का हौसला बुलंद किया है उनके आगे घुटने टेक कर, और इसीलिए आज उनके खिलाफ हुंकार और आपके माफी मांगने के खिलाफ हुंकार 5 बजे की इस खास पेशकश में। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। খুবই ভালো লাগছে, প্রতিবারই আসি খেলার জন্য। এই প্রথমবার একটা প্রোগ্রামে আসলাম, খুবই ভালো লেগেছে। তুমি যে ইন্ডিয়া গেলাই ইন্দুর ইয়ো করতা, আর পাকিস্তানের ক্রিকেটার রে দেখানা। পাকিস্তানের ক্রিকেটার দেখি ইয়ো করতে, তুই তো মুসলমানের ঘর আসলে। আমি মোবাইলে তো তোর ছবিতে আমি ফেসাব করছি। এটা যদি মুনাফিক কাফির মুশরিকে করতো মানিয়ে নেওয়া গেল। তুই তো ফাঁকা একজন মুসলমানের ঘর আসলে, মুসলমানের ঘর ইয়ে তুই অত বড় খাম করলে। তুই মূর্তি পূজাত গেছ? আর মূর্তি পূজাত জানে রে তোরে, ওলা ওলা লাগাইয়ে খালি পিস 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 করলাম মনে তোরে। जो लोग साकिबुल हसन को या कभी जायरा वसीम को या नुसरत जहां को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं या देते हैं, मेरा मानना है उनको इन तमाम फालतू चीज़ों में और अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। अगर वो इस्लामिक तालीमात पर खुशी से चलना चाहता है तो वो चले। जबरन आप किसी को इस तरीके की अगर धमकियाँ दें या इस तरीके के उसके साथ व्यवहार करें तो ये कतई तौर पर इस्लामिक तालीमात के खिलाफ काम। দুই মিনিটের যে সময়টা আমি ওই পূজা মণ্ডপে ছিলাম সেটি নিয়ে সবাই বলেছে এবং তারা ধারণা করছে যে আমি পূজার উদ্বোধন করেছি, যেটি আমি কখনোই করিনি এবং একজন সচেতন মুসলমান হিসাবে আমি করব না। তারপরেও হয়তো বা ওখানে যাওয়াটাই আমার ঠিক হয়নি, সেটা যদি আপনারা মনে করে থাকেন অবশ্যই আমি এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, ক্ষমা প্রার্থী। और हमारे साथ आज डिबेट में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, शाकिब से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उनको जो लगातार धमकियां मिल रही थी कट्टरपंथियों की तरफ से, उसके बाद वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी सुरक्षा की मांग की थी। अब शाकिबुल हसन को सुरक्षा दे दी गई है। प्रैक्टिस के दौरान शाकिब सिक्योरिटी के साथ दिखे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा मैंने कहा, सुरक्षा की मांग की थी और मीरपुर स्टेडियम में सुरक्षा बल के साथ ये गनमैन आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। शाकिब आगे आगे, पीछे गनमैन आपको दिखाई दे रहा है शाकिबुल हसन की सिक्योरिटी में इस वक्त। लेकिन हमारा सवाल यह है कि शाकिब डरे क्यों? सिक्योरिटी एक तरफ है, उन्हें ये सिक्योरिटी मिल सकती थी माफी मांगने के बाद भी।
अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी माफी की कोई कीमत ही नहीं है। ये कट्टरपंथी आपके भरोसे को हमेशा चीरेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जरा आपका तारुफ करवा दूं। जफर सरेश वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चांसलर रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब AIMIM के प्रवक्ता है, अब से कुछ ही देर में उन्होंने वादा किया है कि स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। शोएब जामई साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं लेकिन एक पॉलिटिकल हस्ती के तौर पर भी अब अपनी पहचान बना चुके हैं क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी के साथ लगातार वहां बिहार में मौजूद थे, काम कर रहे थे। हालांकि क्या हुआ पप्पू यादव की पार्टी का आप भी जानते हैं। बहरहाल मनोजीत मंडल साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि TMC के समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मनोजीत मंडल, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं, जरा इस पूरे केस को आप देख कैसे रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं? अगर ऐसे कट्टरपंथी पोरस बॉर्डर्स के तहत बंगाल में आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, ये तो आप भी जानते हैं ना? नहीं, ये बिल्कुल ही एक शर्मनाक घटना है और यहाँ से हर लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, TMC के लोग भी इसको कंडेम किया है। लेकिन शकीबुल हसन को माफी मांगने नहीं चाहिए था। एक ये हुआ ये तो बांग्लादेश उस साहब नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ बांग्लादेश के इस तरह के लोग घुसते नहीं है। अगर कोई एक दो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जो सवाल आपने मेरे को पूछा, इसके लिए जिम्मेदार है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और सिर्फ लोग नहीं है, गुरु भी यहाँ से चला जा रहा है। और इसके लिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर आज वो काल अरेस्टेड भी हुआ है, उनका नाम है सतीश कुमार, आपको ये पता है। इसके साथ बंगाल सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। केंद्र की जो सरकार जिसके पास BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अगर ठीक से वहां से वो बॉर्डर को अगर संभाले तो ये लोग घुस नहीं सकते। इस तरह का लोग हर देश में है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और इंडिया में भी है। ये हम नहीं कह सकते कि इंडिया में भी नहीं है। और इस तरह के चरमवादी उग्रवादी लोग है, इसीलिए दूसरा साइड का जो उग्रवाद है, जो जिसको हम राइट विंग फासिस्ट फोर्स कहते हैं, ये लोग भी उभर के आते हैं। ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ के एक तरफ की होगा वही से सब टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ बने हुए। मनोजीत मंडल साहब, आज मैं सच में यहाँ पर तू मैं करने के उस उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। इन लोगों की शटर जो है डाउन हो जानी चाहिए और इसीलिए अब जैसे ही आप इफ एंड बट करेंगे तो ये तूतू मैं बदल जाएगा, फिर राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग हो जाएगा। हमें करना क्यों इफ एंड बट नहीं है, हमें करना हम इसको सिरे से खारिज करके काम तमाम करें। नुसरत के साथ जो होता हम डिफेंड किया था, नुसरत जहान के साथ इस तरह का घटना जब घटी, वो जब एक पूजा मंडप में गई, रथ यात्रा में गई, हम लोग डिफेंड किए थे, ममता दी के साथ हो गए थे। तो हम ये मानते हैं बंगाल इस तरह का धरित्री नहीं है, सदियों से ये सब चलते आ रहा है। बांग्लादेश में इस तरह का होते हैं, एक 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 उग्रवाद है जिसको हम जमात कहते हैं, प्रेम शुक्ला जी राजाकार जिसको हम कहते हैं, आपको ये पता नहीं है बांग्लादेश की इतिहास? नहीं सर, जब उसको वोट बैंक पे तब्दील कर दिया जाता है ना, परेशानी तब आ जाती है जब खुलकर इन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला नहीं जाता है कि भाई ये लोग तो नाराज हो जाएंगे, हमें वोट नहीं करेंगे, तब गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए हमें आज इसका डिवाइड करना बहुत जरूरी है, एक क्लियर लाइन खींचनी बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला साहब जी, नहीं निश्चित तौर पर जिस तरह से शाकिबुल हसन को माफी मांगने के लिए तैयार होना पड़ा, वह बांग्लादेश की जो कानूनी व्यवस्था की स्थिति है उसकी भी पोल खोलता है। बांग्लादेश में जो है वहां पर इस तरह से कोई भी धमकाने के बाद, वहां उग्रवाद इतना भयंकर है कि माफी मांगने के बाद बिल्कुल सुरक्षा देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ नुसरत का मामला यहाँ पर हुआ और उस पर जरूर लोगों ने बयानबाजी की, लेकिन उस बयानबाजी से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सलमान खान के खिलाफ बयानबाजी हुई, फतवा जारी हुआ, लेकिन सलमान खान को अपनी सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी पड़ी। इसी तरह से हमारे टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के खिलाफ, उनके वस्त्रों के खिलाफ फतवा जारी हुआ, लेकिन सानिया मिर्जा को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी पड़ी, वो दबाव में नहीं आई। लेकिन बांग्लादेश चूंकि इस्लामी जो है देश है, वहां पर कट्टरपंथी शक्तियां ज्यादा प्रबल है, कट्टरपंथी शक्तियों की वहां पर मारक क्षमता अधिक प्रबल है। ऐसे में वहां पर जो शाकिबुल हसन के जो किस तरह से माफी मांगी है, इसका सीधा सा मतलब है कट्टरपंथियों को उन्होंने हवा दी है। जिस तरह से पाकिस्तान में
एक बीच के दिनों में इनके खिलाफ बोलने वाले कम है ना, इनके खिलाफ बोलने वाले कम है प्रेम शुक्ला जी, और जो इनके खिलाफ बोलते हैं प्रेम शुक्ला जी वो तो राइट विंगर हो जाते हैं, वो संगी हो जाते हैं, वो खाकी की तरफ प्रेम रखने वाले हो जाते हैं। मेरे साथ जफर सरेश वाला भी जुड़ चुके हैं। नहीं, अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। हाँ, एक उदाहरण दे दीजिए जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किसी के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काकर किसी की हत्या की हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक किसी भी धार्मिक उन्माद से प्रेरित हत्या में किसी के खिलाफ किसी ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक ना हो, विश्व हिंदू परिषद से लेकर वो तमाम जो संगठन काम करते हैं वो लोग कौन है? वो जो धमकाने भड़काने उग्र होने का काम करते हैं वो लोग कौन है फिर? हाँ बिल्कुल, उसमें स्वयंसेवक पार्क में जाके जो लोग बच्चा लोग जो बैठते हैं उन लोगों को हटा देते हैं, ये लोग ये भी करते हैं, हमको पता है। बीबीएचपी क्या करते हैं हमको पता है। मुझे एक अरे आप लोग इसको डिफेंड करते हो ना, सामने उदाहरण तुगाड़िया कौन था? अभी तो वो सब अभी उनका उनका दिन चले गए। प्रवीण तोगड़िया आज विश्व हिंदू परिषद में नहीं है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने कोई मस्जिद चला गया हो हिंदू, कोई भी जो है किसी ने जो है टोपी वैलेंटाइन डे मनाने किसी ने जो है रोजा कर लिया हो, रोजा इफ्तार कर लिया, अरे अरे ऐसे किसी के खिलाफ प्रवीण तोगड़िया का एक बयान यूनिवर्सिटी में भी, प्रवीण तोगड़िया का कोई संबंध जो है आप संघ परिवार नहीं है। मनोज मंडल साहब, इस पर फिर मैं इस्लामिक कट्टरवाद की तरफ आज बिल्कुल स्पेसिफिकली चोट करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं ये सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं है, आप फ्रांस चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप इन तमाम आप पूरी दुनिया में देख लीजिए। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा उद्दंड कोई है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कट्टरवाद है जो इस्लाम का चोला पहनकर घूम रहे हैं। सो प्लीज इसको आज डाइल्यूट नहीं करेंगे। बिल्कुल एक सेकंड, जफर भाई का मैं रुख कर लेती हूँ, ठीक है? मनोजीत मंडल साहब, मैं जानती हूँ ना आप लोग इसको वोट बैंक बनाते हैं और फिर आपको थोड़ा खौफ आता है कि इसको थोड़ा बैलेंस कर दिया जाए तो थोड़ा राइट विंगर्स की तरफ गाली गलौज हो जाए, आरोप प्रत्यारोप हो जाए तो हम क्लियर हो जाएंगे। लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स नॉट डू दिस, यही आपका प्रॉब्लम है। We don't make them vote bank. This is your narrative and it's a false narrative. It will fall on the face of it. This is a false narrative. मुझे पता है, मुझे पता है, बंगाल के मुसलमानों को आपने आगे नहीं बढ़ाया है, सिर्फ टोपी पहनकर टोपी पहना ही है। मत कहिए ना मैडम, ठीक है? बंगाल में मुसलमानों की सबसे बुरी हालत है मनोजीत मंडल, आप मुझे ये मत बताइएगा। दीदी के टोपी पहन लेने से और दरगाह पर चादर चढ़ा देने से मुसलमानों का भला नहीं हो जाएगा? जफर सरीश वाला एक यूनिवर्सिटी चलाते थे, चांसलर थे, जरा उनसे पूछिए कि मुसलमानों को अगर आगे ले जाना है तो क्या करना होगा। गुजरात का एक मुसलमान अभी मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है मनोजीत मंडल, तो प्लीज गुजरात का नाम ले रहे हैं ना, जफर सरीश वाला कम्स फ्रॉम गुजरात, मिस्टर मंडल ही कम्स फ्रॉम गुजरात। और मैं बताती हूँ आपको, तालीम नाम की एक ऐसी संस्था चलाते हैं जहाँ पर बच्चियों को तालीम देना सबसे बड़ा कर्म माना गया है। रुकिए आप एक सेकंड, अब रुक जाइए, शांति शांति, सब्र से। जफर सरेश वाला, प्रॉब्लम यही है ना, हम जब कट्टरवाद पर उंगली उठाने लगते हैं तो हम बैलेंस करने के चक्कर में रह जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम राइट विंगर दिख जाए, ऐसा ना हो कि हम संगीत दिख जाए। इसमें हो रहा है ये, रुक जाइए मनोजीत जी, जफर सरेश वाला, क्या कहां का कनेक्शन ढूंढते हो मैडम? कट्टरवाद का कनेक्शन पूरी दुनिया से है सर, सो प्लीज नाउ वेट, जफर साहब को बोलने दीजिए। रूबिका जी, ये वैसे तो मामला बांग्लादेश का है और ये बांग्लादेश की हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इस किस्म की अनासिर को दबाते, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन चूंकि ये कट्टरवादी एक विचारधारा की बात है, इसलिए मेरा यहां मुझे आना है। यहां दो बातें हैं, एक तो जो हमारे फिल्म स्टार होते हैं या जो क्रिकेटर होते हैं या जो हमारे पॉलिटिकल एरेना के जो लोग हैं, जैसे नुसरत का पिछले साल मामला हुआ था तब भी मैंने एक पोजीशन ली थी, तो हमारा जो फिल्म स्टार होता है या जो पब्लिक जिनकी प्रोफाइल होती है, वो रिलीजन जो है उनका वो एक प्राइवेट अफेयर होता है।
अब उनको इसलिए कि अगर पॉलिटिकल फिगर है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू भी होंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिश्चियन भी होंगे। इसी तरह फिल्म एक्टर होता है, सलमान खान जो सलमान खान है तो वो कोई मुसलमानों की वजह से नहीं है, बड़ी तादाद में उसके हिंदू या क्रिश्चियन या सिख उस पर जान देने वाले हैं। और इसी तरह क्रिकेटर साकिबुल हसन, जो साकिबुल हसन है आज, तो वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं है, उसके मानने वाले, उस पर जान निछावर करने वाले हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और सिख भी हैं। तो अगर साकिबुल हसन किसी दुर्गा पूजा के मंडल में गया है तो वो साकिबुल हसन एक क्रिकेटर की हैसियत से गया है। तो मैं समझता हूं कि उसको उस पर खड़े रहना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम में जो मामला है आदमी का, जो डीड का, उसके अमल का, वो उसके और खुदा के दरमियान का है। तो किसी को कोई हक नहीं है उसके किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी करने का। तो मैं समझता हूं कि एक आदमी ने तलवार निकालकर अगर कोई ऐसी वीडियो डाल दी, उस पर साकिबुल हसन को अपने आप को माफी मांगना ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो उस पर खड़े रहते। और मैं समझता हूं कि हर किस्म का, किसी भी किस्म का जो कट्टरवाद है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वो बहुत ही खतरनाक है और उसके खिलाफ हमें बढ़कर बोलने की जरूरत है। और अगर मुसलमान इस किस्म के कट्टरवाद के अंदर आता है तो मैं एक मुसलमान की हैसियत से मुझे उस पर हमला करना इतना ही जरूरी है जो किसी और कट्टरवाद पर है। तो मैं समझता हूं कि साकिबुल हसन को खड़े रहना चाहिए था अपनी बात पर, वो जहां गए थे उस पर वो खड़े रहते, टिके रहना चाहिए था ना, उनको माफी मांगने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत बड़ा मेरे साथ यहाँ पर, हाँ मेरे साथ इस वक्त शोएब जामई भी जुड़े हैं। शोएब भाई, इसके खिलाफ बोलने में किसी को कोई कतराना चाहिए? क्या शानदार बात कही जफर साहब ने कि वो लोग जो इस तरीके का हमला करते हैं, तलवारें लेकर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, शर्म आनी चाहिए तुम पाकिस्तान के क्रिकेटर से सीखो, उन्होंने कभी ऐसा किसी तरह का जिना किया क्या? इन लोगों पर हमला करने की जरूरत है? कट्टरवाद और कट्टरपंथ के आगे झुके या कट्टरपंथ को झुकाए हम? मैं जफर भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम लोग VHP, बजरंग दल या RSS या जो हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर जो कट्टरवाद फैलाते हैं इस देश में या बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनका अगर विरोध करते हैं तो फिर इस तरह के लोग जो साकिबुल हसन को धमकी दे रहे थे उनके विरोध में भी खड़ा होना चाहिए। और हम होते हैं, कोई भी यहाँ हिमायती नहीं है। और भी आपके पैकेज में मौलाना साहब ने तो कह ही दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है इस तरह की बातें करना, जो वो धमकी देना। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि चूंकि हम लोग एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सीधा सीधा राजनीति करते हैं समाज में, तो कोई मौलाना साहब होते तो शायद टोपी पहन लेते और धर्म की बात करते। मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं समाज और संविधान की बात करूंगा। मुझे लगता है कि इस देश में किसी को भी इजाजत है, चाहे आप नमाज पढ़ें या पूजा करें, वो आपका अधिकार है, आपकी च्वाइस है। इन नमा अमाल बिन निया, कि अमाल का जो दारोमदार है वो नियत पर है, वो कैसे लोगों को जवाब दे होंगे ये अपने ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन चूंकि मामला बांग्लादेश का है, सारी चीजें बांग्लादेश का है, मैं अपने देश के लोग चीजों पर ज्यादा फोकस हूँ। एक बात और मैं मानता हूँ, नहीं, चीजों पर ज्यादा फोकस है शोएब जामई, तो फिर वो जो फ्रांस को लेकर कांग्रेस के एक विधायक की तरफ से बड़ा सा जुलूस निकाला जाता है, तब आप लोग जुलूस निकालते हुए क्यों नहीं दिखाए जाते? शहर शहर जुलूस निकाले जाते हैं, तब आप जैसे लोगों की जुबान क्यों नहीं बुलंद होती है? उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते हैं? उस वक्त संविधान कहाँ चला जाता है? मैं बता रहा हूँ उसकी वजह यह थी कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला या कार्टून जारी करते रहेंगे ये बोला, तो हिंदुस्तान की सरकार ने उसको कंडेम नहीं किया बल्कि समर्थन कर दिया था। इस बात पर लोग गुस्सा थे, इसलिए अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच का जो मसला है वो उन दोनों के बीच का मसला है, फिर आप क्यों तलवारें ले लेकर घूमने लगेंगे? मैं एक बात बताता हूँ, आप एक तरीके से सेलेक्टिव हो रहे हैं ना। आप कह रहे हैं नहीं, जो मुझे सही लग रहा है उसमें कट्टरवाद का मैं समर्थन करूंगा, और जो मुझे सही नहीं लग रहा है इसमें मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा है तो मैं इसमें समर्थन नहीं करूंगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये पूरा मामला क्यों है,
ये पूरा मामला इसलिए कि मैंने कहा ना कि कोई मौलवी साहब होते तो अभी धर्म की टोपी पहन लेते, लेकिन मुझे मालूम है कि चूंकि बंगाल का इलेक्शन है और बंगाल में कट्टरवादियों ने, आपको पता है शोएब जामई, मोस्ट ऑफ द पीपल इलेक्शन को लेकर ये ज्यादातर लोग आपके पहनावे से सोचते हैं कि आप मौलवी हैं, और इसके पीछे मैं बताऊं जिम्मेदार कौन है, ये कट्टरपंथी सोच जिम्मेदार है। लोगों को पता नहीं है कि आप पीएचडी होल्डर हैं, लोगों को पता नहीं है कि आप एक पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं यहां बताती हूं लोगों को, ऑन एयर बताती हूं कि आप पढ़ लिख कर इस कुर्सी पर पहुंचे हैं, लेकिन आपकी दाढ़ी आपके मूंछों को साफ कर देना आपको भी उस बॉक्स में डाल देता है, और इसके पीछे जिम्मेदार आप नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार वो कट्टरवादी सोच है, और आप जब रह रहकर उनका समर्थन करते हैं वो है। इसी परसेप्शन को तो चेंज करना है, लेकिन तो आप कैसे करेंगे, आप चोट कीजिए ना कट्टरपंथ पर। आप तो पहली लाइन में वीएचपी ले आए, पहली लाइन पर राइट विंगर ले आए, नहीं इसलिए क्योंकि आपने सेलेक्टिवनेस की बात की, आज सेलेक्टिवनेस नहीं है, आप हाथरस के मुद्दे पर तो खूब बोली, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन गुलनाज के मुद्दे पर आप नहीं बोलती। आज वो कोई गुलनाज लड़की मुसलमान है और चंदन और सतीश किसी दूसरे धर्म के, देखिए आपने बच्ची को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया सर, नहीं बांट रहा हूँ, क्या कर दिया आपने, हो रहा है आपने उस बच्ची को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जो हर बार बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी दुष्कर्म को लेकर यहाँ बैठी है, आवाज बुलंद की है। गुलनाज के लिए दुख आपको नहीं होता है ये बताइए, तो आप क्या चाहते हैं के लिए दुख हो, नहीं तो आप क्या चाहते हैं, आपको नहीं लगता है कि एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई है, आप नहीं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि आज अगर मुझे चर्चा करनी है तो किस मसले पर चर्चा करनी है, लेकिन आपने तो उस बच्ची को चोला उड़ा दिया धर्म का। भूमिका जी मैं आप पे नहीं इल्जाम लगा रहा हूँ, पूरी मीडिया बिरादरी को कह रहा हूँ कि आखिर गुलनाज में खामोश क्यों है आप, गुलनाज को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, उन दरिंदों ने उसको केरोसिन डाल के जला दिया, और कह रहे हैं कि अगर उसी मीडिया ने लगातार ये खबरें, आपको पता कैसे चली, आप कोई संपर्क में थे मुझे ये बताइए उस बच्ची के, आप थोड़ी संपर्क में थे, मीडिया ही ने यह खबर दिखाई ना, एबीपी न्यूज की हेडलाइन से आपको यह खबर पता चली ना, और आप यहाँ बैठकर हम ही पर आरोप लगा रहे हैं और पूरे के पूरे मामले को भटका रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथ पर जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज से 15 दिन पहले जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैशाली से हमें बताया था, आगे आपकी पॉलिटिक्स जन अधिकार पार्टी, एक सेकंड जफर साहब कुछ कह रहे हैं, मैं इस पर चर्चा कर लूंगी सर, लेकिन आप डीरेल कर रहे हैं मामले को, मैं फिर आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि यहाँ एबीपी न्यूज हर एक खबर को कवर करता है, हिंदू मुसलमान मत करना बच्चियों के साथ, जो बैठी है वो भी आप ही की कौम से ताल्लुक रखती है, तो ये हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा। जफर साहब इस बात दिलाइए भागिए मत। देखिए रूबिका जी मैं एक बात कहूंगा कि मैक्रॉन की मैंने पूरी तकरीर सुनी, मैक्रॉन ने कहीं पर भी अपनी तकरीर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, इस्लाम के खिलाफ भी नहीं बोला, मैंने बार बार सुनी, इसलिए कि बहुत जिम्मेदारी से मुझे कहना था। मैक्रॉन ने कट्टरवाद की बात की, कट्टरवाद जो इस्लाम के कुछ मानने वाले जो कट्टरवाद पर आए, एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म पर उसने बात की थी, एक बात। दूसरी बात आप मुझे एक बात बताइए कि उसके समर्थन में खुलकर सऊदी अरेबिया आया, उसके समर्थन में खुलकर यूएई आई, उसके समर्थन में खुलकर कुवैत आई, उसके समर्थन में खुलकर बहरेन और ओमान आई, तो ये तो इस्लामी मुल्क हैं, तो इसका क्या जवाब है। दूसरी बात गुलनाज के मामले में सबसे पहले हमको खबर तो अखबार ये मीडिया से आई, ये मीडिया ने तो बताया कि गुलनाज के साथ ये नाइंसाफी हुई और इतना हौलनाक मंजर हुआ, और अभी भी ट्विटर पे और ज्यादा फेसबुक पर उसके खिलाफ और उसको इंसाफ दिलाने का जो काम है बहुत बड़ी तादाद में हिंदू बिरादर के लोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि गुलनाज के लिए सिर्फ मुसलमान बोल रहे हैं, और दूसरा मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिन्होंने एक तो कुरान का रट्टा मारना होता है कि सुबह सवेरे आप बैठ गए और उसके बाद आपने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया और सिर्फ पढ़े चले जा रहे हैं, उसके माने किसी को नहीं समझने हैं, और किसी ने कह दिया दाढ़ी और बगैर मूंछों के और टोपी लगा के थोड़ा ऊंचा पजामा पहनकर आ गया और उसने कहा अरे ये तो कुफ्र है, ये तो गलत काम हो रहा है, फौरन सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ये तो सही कह रहे हैं, इनके पहनावे से लग रहा है ये सही कह रहे होंगे। साकिबुल हसन उन्होंने एक पंडाल में महज खड़े होकर फोटो खिंचवाई,
और कट्टरपंथियों को आग लग गई, ऐसी कि वीडियो बना बनाकर धमकियां देने लगे। ये तो उनकी आदत है, उनकी दुकान चलती है, लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब ये ऑलराउंडर क्रिकेटर इनके आगे नतमस्तक हो जाता है, माफी मांग लेता है, खौफ में आ जाता है। आज एक गनमैन उनको प्रोवाइड किया गया है, यानी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई है, तो जब वहां प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो कहीं पर, तो उनके साथ एक गनमैन दिखाई दे रहा है। मेरे साथ सारे खास मेहमान हैं। मैं ये कह रही हूं कि हम क्यों कट्टरपंथियों से डर जाते हैं? एक कट्टरपंथी हमसे डरने चाहिए ना असीम वकार साहब, गजब इन लोगों की ताकत है। कि मैं उन सभी कट्टरपंथियों को एक मैसेज आपके चैनल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो कानून है, जो संविधान है, वो हमें आजादी देता है अपने मन मुताबिक काम करने की और चलने की। हर आदमी अकलमंद है, अगर बालिग है तो कुछ भी कर सकता है। मैं इस तरह के किसी भी काम का समर्थन ना करता हूं, ना मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं। ठीक है कोई कहीं भी जाए, लेकिन इस वक्त बंगाल में जो जरूरत है वो इससे ज्यादा अलग हटके जो चुनाव आने वाला है उसकी बात कीजिए। मैं उन कट्टरपंथियों को, मैं उन तमाम लोगों को जो सेकुलर हैं, उनको भी, सभी दलों के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैंने बंगाल में ममता बनर्जी जी से आज से 3 साल पहले मुर्शिदाबाद में एक यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की थी। अच्छा, लेकिन दीदी ने ऐलान करने के बाद भी आज 3 साल हो गए मुर्शिदाबाद में कोई विश्वविद्यालय ना तो खोला है, ना उस पर कोई काम किया है, ना जमीन अलाट की है। वीरभूम जैसे जिलों में आप 4-4 विश्वविद्यालय दे रहे हैं, 5-5 विश्वविद्यालय दे रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर आप कोई विश्वविद्यालय नहीं दे रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। याद आया आपको? वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां लोगों को एजुकेशन, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए करना क्या है? वहां लोगों को तरक्की नहीं करना है, जबानी खर्च नहीं, काम करना है, वही आप लोग करते नहीं है। बात है काम। अरे मैं मैडम जी, वो 3 साल पहले ममता बनर्जी के बंगाल में जाकर के लिए एडवर्टाइजमेंट दे गया है। आपको पता नहीं है भाई साहब, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए एडवर्टाइजमेंट चले गई है और पढ़ाई शुरू होगी 3-4 महीने में। आपको पता नहीं है तो हम क्या करें? हाँ सर, आप बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी, क्योंकि अभी तक अभी जो वाइस जाकर चेक कीजिए। अरे वाइस 3 साल ये टाइम लगता है भाई साहब, मीटिंग होने के लिए टाइम लगता है। आप 3 साल में नहीं होते वहाँ पर, बंगालियों को धोखा दे रहे हैं। नहीं धोखा दे रहे हो भाई साहब, अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं धोखा दे रहे हो, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉलेज ढूंढ गई है, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। आप बहुत दूर में हो, आप दूर से भाषण देते हो, आपको पता नहीं तो हम क्या करें? 3 साल में आपने कुछ नहीं किया। और मुर्शिदाबाद में एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है। 3 साल नहीं लगे, 3 महीने में कैसे? 3 साल एक नया 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 चीज बांधने के लिए 3 महीने में नहीं होता। 3 साल में आपने कुछ नहीं किया है, 3 सालों से हो रहा है। कैसे कर देंगे? अभी वाइस चांसलर हम निकल के लेंगे। वाइस चांसलर तो पहले तो एक वाइस चांसलर होना चाहिए, आपको पता है कैसे होता है यूनिवर्सिटी? जानकारी नहीं है। पहले एक वाइस चांसलर अपॉइंट करना पड़ता है। फोन लगाइए, एजुकेशन मिनिस्टर को आपने लगाइए फोन, तो आप बताइए आप बता दीजिए कैसे होता है, पूछिए उनसे। मनोजीत मंडल, AIMIM के आने से तकलीफ तो साफ दिखाई दे रही है। आप हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे आपको। शब्द आपके फंस रहे हैं। आप हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। वो जहाँ पर AIMIM ने एंट्री ली है, बंगाल है, हमको क्या प्रॉब्लम है? आप गलत बयान, पिछली बार यही असीम वकार यहाँ बैठे थे। मनोजीत मंडल, पिछली बार यही असीम वकार यहाँ बैठे थे। आपकी तरफ से एक टीएमसी समर्थक आए थे, आप संघमित्र, उन्होंने पता है ना आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इनको वोट किया है वो सारे के सारे तालिबानी वोट है। आप लोगों ने इनके वोटर्स को तालिबानी घोषित कर दिया। उसके बाद मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? अरे भाई, टीएमसी क्या कह रहे हैं हमको क्या पता? मेरा बात सुन लियो भाई, देश की हो सकता है बहुत, अरे लाखों समर्थक है, लाखों समर्थक है, हम क्या करें? वो एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ भी जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम लोग क्या लेना है? लेकिन गणतंत्रिक तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? ममता जी के मंत्रिमंडल में से जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको लगाइए, सुनाइए। आप सुब्रत मुखर्जी को लगाइए फोन, आप लगाइए फोन उनको।
अरे आप लगा लीजिए ना, हमको पता है यूनिवर्सिटी हो रहा है उनको, हमको पता है होगा एक महीने में हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट है। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको मुसलमानों के वोट से खुशी आप कर रहे हो, आपको आप कर रहे हो जिस तरह से बिहार में किए हो ना, आपको जिस तरह से बिहार में किए हो आप कर रहे हो ना, मुसलमानों को आप कर रहे हो बिहार में जिस तरह से आप किए हो इस तरह से आप कर रहे हो बीजेपी को। आपको जो कहना हो करिए, आप कर रहे हो, आपको जो करना हो करिए, जो कहना हो करिए, लेकिन आप ये बताइए कि मुसलमानों को आपने बिहार में आपने क्या किया, आपको सीखना पड़ेगा जो रखा, आप सिखाओगे हम लोगों को कैसे काम करना पड़ता है सर। आप बीजेपी के बी टीम होते हो, बिहार में आप क्या कहते हैं, सवाल पूछ लिया तो बीजेपी की बी टीम, सवाल पूछ लिया कि मुसलमानों के लिए क्या किया तो बीजेपी की बी टीम हो गई। अरे सबको असीम वकार ने क्या ये पूछा कि आपने वहाँ गली मोहल्लों में कितने मंदिर बनाए, पूछा असीम वकार ने आपको, क्या असीम वकार ने ये पूछा कि जय श्री राम कितने लोग बोल रहे हैं, असीम वकार ने पूछा कि आपने मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी खड़ी करने की बात की थी, ठीक है नहीं की, आपने तो कह दिया कि वो संघी है जफर साहब, हाँ हाँ संघी हो गए ना, आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े, आप चाहते हैं बस आप उनके ऊपर पैर रखकर अपनी सत्ता की मलाई लगातार खाते रहे, आप नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है और मुसलमान इस बात को समझते नहीं है, आप नहीं चाहते हो, नहीं हम तो भाई इतने सालों से देख ही रहे हैं ना, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है जफर साहब, आई एम सॉरी, मनोजीत मंडल, शोएब जामई, असीम वकार साहब, प्रेम शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि चीजें क्लियरली सामने आने लगी है, अब एटलीस्ट मुसलमानों के लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर टेलीविजन पर चर्चा होने लगी है, अब जमीन पर भी आएगी चीजें।